हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच माई लास्ट वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूजिंग R12 वर्क्स बिटवीन -15 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस एज इवेपोरेटर एंड कंडेंसर टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यूजिंग PHR डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस। तो अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि इस VCRS सिस्टम में R12 रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम R12 रेफ्रिजरेंट का ही PHR यूज़ करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सुपर हीटिंग और सब कूलिंग का केस मेंशन नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट एंड हाइएस्ट टेम्परेचर के पॉइंट्स हमें डायरेक्टली सेचुरेशन कर्व पे मिल जाएंगे। लोएस्ट टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस इज ऑन सेचुरेटेड वेपर लाइन एज अ पॉइंट 1 एंड हाइएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस इज ऑन सेचुरेटेड लिक्विड लाइन एज अ पॉइंट 3। नाउ सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पता है कि कंडेंसर में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, जो कि प्रोसेस 2-3 है, इसलिए राइट डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करेंगे। एंड रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, इसलिए एक स्लांट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द कॉन्स्टेंट इंट्रोपी लाइन्स, एंड दैट इज प्रोसेस 1-2, इंट्रोपी कॉन्स्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पता है कि इवेपोरेटर में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 टू द लेफ्ट प्रेशर कॉन्स्टेंट, और एक वर्टिकल लाइन फ्रॉम द पॉइंट 3, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज पॉइंट 4। सो द प्रोसेस 3-4 इज एक्सपांशन प्रोसेस, जिसमें इंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये बन गया हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल 1-4। अब इन चारों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड करके डायरेक्टली हम इंथैल्पीज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। H1 इक्वल टू 345, H2 इक्वल टू 375, H3 इक्वल टू H4 इक्वल टू 234 kJ/kg। ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट करना है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, H1 - H4 / H2 - H1। ये सारे वैल्यूज पुट किए, 345 -235 / 375 -345, COP मिल गया 3.66। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका भी डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हैं, गिवन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कैलकुलेटेड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो 1 TR इक्वल टू 210 kJ/min अपॉन H1 - H4 345 - 235 इक्वल टू 1.91 kg/min/TR। सो वी गॉट द सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड फाइंड आउट करना है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर TR यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 80%। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। मास फ्लो रेट पता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं पता है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्टली मिल जाएगा फ्रॉम द PH चार्ट। तो अब इस PH चार्ट में जो डॉटेड लाइंस हैं वो हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस, इसलिए फर्स्ट पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया टू दिस डॉटेड लाइंस। तो हमें V1 का वैल्यू मिला 0.09 m³/kg। तो अब इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 1.91 × 0.09 / 0.8 = 0.214 m³/min/TR। सो वी गॉट दी थर्ड आंसर। ओके, फोर्थ फाइंड आउट करना है हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर पर TR। तो हीट रिजेक्टेड इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H2 - H3। मास फ्लो रेट हमें पता है, H2 - H3 पता है, तो हमें हीट रिजेक्टेड मिल जाएगा 270 kJ/min/TR। सो वी गॉट दी फोर्थ आंसर। नाउ फिफ्थ फाइंड आउट करना है आइडियल कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका डायरेक्टली फार्मूला है लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन हाइएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट किया, वी गॉट द आइडियल COP 5.16। सो वी गॉट द फिफ्थ आंसर। ओके, सो फाइनल आंसर्स आर COP 3.66, मास फ्लो रेट 1.91 kg/min/TR, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 0.214 m³/min/TR, हीट रिजेक्टेड 270 kJ/min/TR, आइडियल COP 5.16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूजिंग R134A वर्क्स बिटवीन -10 °C एंड 36 °C एज इवेपोरेटर एंड कंडेंसर टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यूजिंग PHR डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस। ओके, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा सेम है एग्जैक्टली,
बस R12 की जगह R134A मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब रेफ्रिजरेंट R134A का पीएच चार्ट यूज़ करते हैं, जिसमें लोएस्ट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली मिल जाएंगे सेचुरेशन कर्व पे एज अ पॉइंट 1 और 3। तो अब थर्ड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फर्स्ट पॉइंट से पैरेलल टू द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस एक्सटेंड करेंगे, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज पॉइंट 2। तो अब थर्ड पॉइंट से ही एक वर्टिकल लाइन और फर्स्ट पॉइंट से एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन एक्सटेंड करेंगे टू द लेफ्ट, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज पॉइंट 4। तो ये मिल गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल 1, 2, 3, 4। अब इन चारों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड करके एंथैल्पीज के वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। H1 = 392, H2 = 422, H3 = H4 = 252 kJ/kg। सो फर्स्ट फाइंड आउट करना है COP, अगेन सेम H1 - H4 / H2 - H1, 392 - 252 / 422 - 392, COP मिल गया 4.66। सेकेंड फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट, अगेन सेम गिवन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कैलकुलेटेड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, 1 TR = 210 kJ/min, सो 210/392 - 252 = 1.5 kg/min/TR। नाउ थर्ड फाइंड आउट करना है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर TR, जिसका फार्मूला है मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। मास फ्लो रेट पता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पीएच चार्ट से मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन चेक करके, जिसका वैल्यू देंगे डॉटेड लाइंस, जिसका वैल्यू मिला 0.1। तो 1.5 × 0.1 / 0.83 = 0.18 m³/min/TR। नाउ फोर्थ हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर, QR = mass flow rate × H2 - H3, सबका वैल्यूज पता है हमें, QR मिल गया 255 kJ/min/TR। लास्ट फाइंड आउट करना है आइडियल COP, कैनॉट साइकिल का फॉर्मूला, लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, सब टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट द आइडियल COP 5.7। सो द फाइनल आंसर्स आर COP 4.66, मास फ्लो रेट 1.5 kg/min/TR, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 0.18 m³/min/TR, हीट रिजेक्टेड 255 kJ/min/TR, आइडियल COP 5.7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल NH3 वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसलिए NH3 अमोनिया R717 का पीएच चार्ट यूज करेंगे, हैज कंप्रेसर विद पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 m³/min, अ कंडेंसर प्रेशर 12 बार एंड इवेपोरेशन प्रेशर 2.5 bar, द लिक्विड इज सबकूल्ड टू 20 डिग्री सेल्सियस बाय सोल्डरिंग द लिक्विड लाइन टू सक्शन लाइन, द टेम्परेचर ऑफ वेपर लीविंग द कंप्रेसर इज 100 डिग्री सेल्सियस, हीट रिजेक्टेड टू द कंप्रेसर कूलिंग वाटर इज 5000 kJ/h एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर इज 0.8, कंप्यूट कैपेसिटी इंडिकेटेड पावर एंड COP ऑफ द सिस्टम। तो अब इस क्वेश्चन में द लिक्विड इज सबकूल टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मीन्स ये सबकूलिंग का केस है, हम थर्ड पॉइंट को डायरेक्टली सेचुएशन कर्व पे ड्रॉ नहीं कर सकते, और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सुपर हीटिंग का केस मेंशन नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट सेचुएशन कर्व पे ही आएगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट का टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट पॉइंट भी हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में दो प्रेशर रेंज दिया हुआ है, कंडेंसर प्रेशर 12 बार एंड इवेपोरेटर प्रेशर 2.5 bar, तो अब इन दोनों प्रेशर को हम पीएच चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इस क्वेश्चन में एक टेम्परेचर दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ वेपर लीविंग द कंप्रेसर इज 100 डिग्री सेल्सियस, लीविंग द कंप्रेसर मीन्स आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर दैट इज 0.2, सेकेंड पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए 12 बार प्रेशर वाली लाइन पे जहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस की कर्व लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज 0.2। तो अब हमें पता है कि कंप्रेशन प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, इसलिए सेकेंड पॉइंट से हम एक कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पर ये लाइन और 2.5 बार की प्रेशर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, और वो सैचुरेशन कर्व पे ही मिलेगा क्योंकि ये सुपर हीटिंग का केस नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए एक सबकूलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस की। अब 12 बार प्रेशर वाली लाइन को लेफ्ट में एक्सटेंड करेंगे जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी दैट इज 0.3। अब इस थर्ड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन टू द डाउनवर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लेफ्टवर्ड ड्रॉ करेंगे, जिससे फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा।
एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देंगे एंड वी गॉट दी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल 1, 2, 3, 4। अब इन चारों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड किया तो एंथैल्पीज के वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएंगे। H1 इक्वल टू 1445, H2 इक्वल टू 1680, H3 इक्वल टू 300 kJ/kg। ओके, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कैपेसिटी, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसका फॉर्मूला है मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4। H1 और H4 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, मास फ्लो रेट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से मिलेगा, क्योंकि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 m³/min। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट VP इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू V1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो अब यहाँ पर V1 का वैल्यू हमें pH चार्ट से मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट को हम पैरेलली एक्सटेंड करेंगे टू द डॉटेड लाइंस, जिसका वैल्यू 0.5 मिल गया। 2 इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8, मास फ्लो रेट इक्वल टू 3.2 kg/min। अब इसको उठा के RE में पुट कर देंगे। RE इक्वल टू 3.2 इंटू 1445 माइनस 300, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला 3664 kJ/min। अब इसको डिवाइड कर देंगे 210 kJ/min से, जिससे कैपेसिटी मिल जाएगा 18 TR। सो वी गॉट दी फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड फाइंड आउट करना है इंडिकेटेड पावर, दैट इज पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। सो वर्क डन इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1। लेकिन इस सिस्टम में एक्स्ट्रा वर्क डन रिक्वायर्ड है 5000 kJ/h। हीट रिजेक्टेड टू द कंप्रेसर कूलिंग वाटर इज 5000 kJ/h, इसलिए इस वर्क डन को भी हम इस वर्क डन में प्लस करेंगे। प्लस 5000/60 हावर में है तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मास फ्लो रेट पता है, H2H1 पता है, तो वर्क डन मिल गया 835 kJ/min। तो पावर होता है किलोवाट में, kJ/s, इसलिए डिवाइड बाय 60, 835/60 इक्वल टू 13 kW। पावर रिक्वायर टू ड्राइव द कंप्रेसर या फिर इंडिकेटेड पावर इक्वल टू 13 kW। सो वी गॉट द सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड फाइंड आउट करना है COP ऑफ द सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन रिक्वायर टू द कंप्रेसर, 3664 इन kJ/min अपॉन 835 इन kJ/min इक्वल टू 4.4, नो यूनिट। COP मिल गया 4.4, सो वी गॉट द लास्ट आंसर। सो द फाइनल आंसर्स आर कैपेसिटी 18 tons ऑफ रेफ्रिजरेशन, इंडिकेटेड पावर 13 kW, COP ऑफ द सिस्टम 4.4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग NS3 वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल, द कंडेंसिंग टेम्परेचर इज 30°C, इन्वेस्टिगेट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस। द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 10 TR and the system operates at temperature in the evaporator of 10°C and 16°C respectively. Use property of saturated NS3 as. तो अब इस क्वेश्चन में NS3 रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी दिए हुए हैं इस टेबल में, लेकिन हर रेफ्रिजरेंट के अलग अलग टेम्परेचर पे उनके प्रॉपर्टीज का वैल्यू स्टैंडर्ड ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को pH चार्ट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द कंडेंसिंग टेम्परेचर इज 30°C, इसका मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर दिया हुआ है 30°C, मींस थर्ड पॉइंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा pH चार्ट पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 30°C की सैचुरेशन कर्व से और एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड, ये मिल गया थर्ड पॉइंट 30°C ऑन दिस सैचुरेशन कर्व। नाउ इवेपोरेटर के दो टेम्परेचर दिए हुए हैं 10°C एंड 16°C, तो ऑब्वियसली 10°C सैचुरेशन टेम्परेचर होगा और 16°C सुपरहीटिंग का केस होगा, तो इसलिए सुपरहीटेड रीजन में 16°C का एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लिया और सैचुरेटेड वेपर लाइन के 10°C से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो वी गॉट द फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट। नाउ प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट, इसलिए फर्स्ट पॉइंट से एक कांस्टेंट इंट्रोपी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वेयर दिस लाइन गेट इंटरसेक्टेड बाय द कंडेंसर्स हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज पॉइंट 2। तो ये मिल गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रोसेस 1, 2, 3, 4। तो अब इन चारों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे तो इंथैल्पीज के वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाएंगे, H1 1512, H2 1740, H3 H4 340 kJ/kg। ओके, फर्स्ट फाइंड आउट करना है COP, अगेन सेम फार्मूला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, 1512 माइनस 340 डिवाइडेड बाय 1740 माइनस 1512 इक्वल टू 5, COP इक्वल टू 5, सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड फाइंड करना है मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड, तो अगेन सेम फार्मूला, गिवन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कैलकुलेटेड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो कैपेसिटी गिवन है 10 tons ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसलिए 210 × 10 अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट
1512-340 इक्वल टू 1172। तो इसको सॉल्व किया तो 1.8 केजी पर मिनट, इसको डिवाइड कर दिया 60 से तो केजी पर सेकेंड 0.03 केजी पर सेकेंड, सो वी गॉट द सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट हैंडल्ड। तो ये तो डायरेक्टली मिल जाता है पीएच चार्ट से। फर्स्ट पॉइंट को एक्सटेंड किया पैरेलली टू द डॉटेड लाइंस, वहाँ से मिल गया 0.48, V1 इक्वल टू 0.48 मीटर क्यूब पर केजी। नाउ अगर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है तो उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.48 इंटू 0.03 इक्वल टू 0.014 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो वी गॉट द थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट कंप्रेसर डिलीवरी। तो ये भी डायरेक्टली मिल जाएगा टेम्परेचर फ्रॉम द पीएच चार्ट। सेकेंड पॉइंट से एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द कर्व लाइन ऑफ टेम्परेचर्स। तो उसके पहले वाली लाइन है 120 डिग्री सेल्सियस की, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 125 डिग्री सेल्सियस की लाइन। सो T2 इक्वल टू 125 डिग्री सेल्सियस, सो वी गॉट द फोर्थ आंसर। सो द फाइनल आंसर्स आर COP इक्वल टू 5, मास फ्लो रेट इक्वल टू 0.03 केजी पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट हैंडल्ड 0.014 मीटर क्यूब पर सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट कंप्रेसर डिलीवरी इज 125 डिग्री सेल्सियस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, R22 वेपर कंप्रेशन सिस्टम इंक्लूड्स अ लिक्विड टू वेपर हीट एक्सचेंजर इन द सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 70 किलोवाट ऑपरेट्स बिटवीन -8 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस एंड सुपर हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। इफ अ 4 सिलेंडर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद बोर टू स्ट्रोक रेशियो 1:1.5 एंड ऑपरेशन एट 1200 RPM इज यूज्ड, डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस। Assume volumetric efficiency at compressor 80%, CPL equal to 1.24 kJ per kg degree Kelvin, CPV equal to 0.74 kJ per kg degree Kelvin, refrigerant properties given below। तो इस क्वेश्चन में भी रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज टेबल में दिए हुए हैं, बट वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग पीएच चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इस क्वेश्चन में सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों का केस है, इसलिए कोई भी पॉइंट डायरेक्टली सेचुएशन कर्व पे नहीं मिलेगा। तो अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में -8 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों टेम्परेचर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीएच चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं वेट रीजन के अंदर। 42 डिग्री सेल्सियस की हॉरिजॉन्टल लाइन कंडेंसर की लाइन एंड -8 डिग्री सेल्सियस की एक हॉरिजॉन्टल लाइन इवेपोरेटर की लाइन। नाउ रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स पहले 42 डिग्री सेल्सियस था कंडेंसर का टेम्परेचर, वो सबकूल हो गया 5 डिग्री सेल्सियस से। तो 42-5 37 डिग्री सेल्सियस की एक वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन टू दी अपवर्ड, और कंडेंसर की लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे इस लाइन तक एंड देन वी विल गेट थर्ड पॉइंट। नाउ इसी थर्ड पॉइंट से एक वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड जहाँ पर ये लाइन और -8 डिग्री सेल्सियस की इवेपोरेटर की लाइन इंटरसेक्ट होंगी, दैट इज पॉइंट 4। अब दिया है सुपर हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। तो इवेपोरेटर टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस, सुपर हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स -8 + 10 इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, और इस 2 डिग्री सेल्सियस की एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे सुपर हीटेड रीजन में एंड इवेपोरेटर प्रोसेस की हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज पॉइंट 1। नाउ रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, इसलिए फ्रॉम पॉइंट 1 कॉन्स्टेंट इंट्रोपी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपवर्ड एंड स्लांट वर्टिकल लाइन, और कंडेंसर वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज पॉइंट 2। तो ये बन गया हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल 1, 2, 3, 4। एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज कर देंगे। अब इन चारों पॉइंट्स को वर्टिकली एक्सटेंड किया तो इन्थैल्पीज के वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएंगे, H4 इक्वल टू 244, H1 इक्वल टू 410, H2 इक्वल टू 449 kJ पर kg। नाउ फर्स्ट फाइंड आउट करना है आइडियल COP, तो इसका डायरेक्टली कैरनॉट वाला फार्मूला है, लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन हाइएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। सब टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, आइडियल COP मिल गया 5.3, सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड फाइंड आउट करना है COP ऑफ द सिस्टम, तो इसका भी स्टैंडर्ड सेम फॉर्मूला, COP इक्वल टू H1-H4 अपॉन H2-H1, 410-244 अपॉन 449-410 इक्वल टू 4.25, सो वी गॉट द सेकेंड आंसर। नाउ थर्ड फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो मास फ्लो रेट इक्वल टू गिवन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कैलकुलेटेड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। गिवन है हमें 70 किलोवाट कैपेसिटी,
किलोवाट मीन्स केजे पर सेकेंड, तो 70 अपॉन 410 माइनस 244 H1 माइनस H4 इक्वल टू 0.42 केजी पर सेकेंड। सो वी गॉट दी थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ, थेरोटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का अगेन सेम फॉर्मूला, मास फ्लो रेट इंटू V1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नाउ मास फ्लो रेट हमें पता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता है, V1 का वैल्यू हमें डायरेक्टली pH चार्ट से मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट को एक्सटेंड किया पैरेलली टू द डॉटेड लाइंस, वहां से मिल गया 0.06 मीटर क्यूब पर केजी। अब इसको VP में पुट कर देंगे, 0.42 मास फ्लो रेट इंटू 0.06 V1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0.8, VP मिल गया 0.0325 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से तो 2 मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। सो वी गॉट दी फोर्थ आंसर। नाउ फिफ्थ, फाइंड आउट करना है बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द कंप्रेसर। तो ऑब्वियस है, बोर एंड स्ट्रोक हमें वॉल्यूम फ्लो रेट के फॉर्मूले से ही मिलेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन इंटू के। अब यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट इज नथिंग बट द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, जिसका आंसर आया 2 मीटर क्यूब पर मिनट। इसको यहीं पर पुट कर दिया, इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, फाइंड आउट करना है, इंटू एल इज 1.2 डी, इंटू एन इज 1200 RPM, इंटू नंबर ऑफ द सिलेंडर्स 4। सो वी गॉट द डी इक्वल टू 76 mm, और इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्ट्रोक आ गया, एल इक्वल टू 92 mm। सो द फाइनल आंसर्स आर आइडियल COP इक्वल टू 5.3, COP इक्वल टू 4.25, मास फ्लो रेट इक्वल टू 0.42 kg पर सेकेंड, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट VP इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर मिनट, बोर इक्वल टू 76 mm एंड स्ट्रोक इक्वल टू 92 mm। तो ये थे टोटल 5 क्वेश्चंस ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, विच कवर्स ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू VCRS। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चंस, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल के होम पेज पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दो, इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम के लगे, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और भी ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।